कैंट थाने पर थानाध्यक्ष रणधीर कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों को राष्ट्र व एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष रणधीर कुमार मिश्रा ने संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे हजारों लोगों की मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई फरियादी थाने पर प्रार्थना पत्र लेकर आता है तो उसे प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई की जाए, यदि आवश्यकता हो तो दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में बात करवा दिया जाए, इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, बेतियाता चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सबको अब करेक्टर रोल पे प्रमोशन मिल रहा है, आपने अपना करेक्टर सुरक्षित रखा, निश्चित आने वाले दिनों में अब आगे जाके उनका सब इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरे कहने का मतलब है, हमको अपने करेक्टर को बचा के रखना है, और जब हम अपना करेक्टर तभी बचा पाएंगे जो हम अच्छा जनता से व्यवहार करेंगे, और जो हमें कार्य दिया गया है उस कार्य को हम अच्छे से निष्पादित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कैरेक्टर बचा रहेगा, हमारे प्रमोशन में इसका लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा में, जिसकी प्रशंसा सारे चारों तरफ जनता के लोगों ने किया। अब आ गया है आने वाले दिनों में हम लोगों का पहला एजेंडा है जन सुनवाई, और दूसरा चीज ये है कि जो भी IGRS के प्रार्थना पत्र आए हैं, अगर हम उसको समयबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, अगर एक दो दिन में हम अगर उसको निस्तारण नहीं करेंगे तो वो चार पाँच दिन में भिन्न भिन्न स्थानों पे पहुंच जाता है और उसमें धाराएं बढ़ती चली जाती हैं, तो हम रुक कर देंगे। तो अगला आदमी जिसका प्रार्थना पत्र रहता है कहीं नहीं जाता है, वो जानता है कि मेरी जाँच हो रही है और उसका कार्य हो भी जाता है, और आपसे वो प्रसन्न भी रहता है कि साहब वो फला है और मेरी जाँच कर ली। तो आप जो हमारे SSP सर का मुख्य एजेंडा है कि थाने की जन सुनवाई, IGRS और जो उच्च अधिकारीगण के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण सुनिश्चित करना, इतनी तीन चीज़ें आपको अपने जीवन में ढाल लेनी है। अपने रोज की कार्यशैली में हर मानव की ये आदत है कि वो हर चीज़ भूलता है, लेकिन हम लोगों का काम है उसको जगाना, और मीटिंग के द्वारा आज भी जो लोग आए हैं IGRS जिनका पेंडिंग होगा सभी लोग IGRS यहाँ देखे जाएंगे, क्योंकि अगर आप 25 तक आज 26 है, अगर आपने IGRS कल तक पूरा नहीं किया तो हमारा अगले महीने में चला जाएगा, उन लोगों की मेरिट घट जाएगी। तो आप सभी लोग कोई भी किसी का किसी भी हालत में IGRS पेंडिंग नहीं रहेगा, बस यही मुझे आप लोगों से कहना था। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आज भी कई कार्यक्रम हैं और जो भी कार्यक्रम रहता है सारे लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं और अपनी ड्यूटियों का निष्पादन बहुत अच्छे से करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे, चूँकि अपने शहर में वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं, और जब भी आप VVIP ड्यूटी में रहते हैं आपकी वर्दी, आपके रहने का तरीका, आपके ड्यूटी के समय मोबाइल यूज करने का तरीका, इन सब चीज़ों पर कड़ी, तो एक तो अपनी वर्दी अच्छा पहनना है और मोबाइल का प्रयोग उतना ही करना है जितनी आवश्यकता है, ड्यूटी के समय तो कदापि नहीं करना है। ड्यूटी के पहले ही हम बात कर लिए, घर से बात करनी है घर से बात कर लिए, जहाँ भी बात करनी है बात कर लिए, ये नहीं है कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं और हम अपना मोबाइल देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अनुशासनहीनता की श्रेणी में वो चीज़ें आएंगी। तो सभी लोगों को पुनः एक बार मेरी तरफ से शुभकामना, आज संविधान दिवस है, हम संकल्प लेते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने पाए।